नमस्कार प्रकाशक के पटल पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये रूबरू हमारा जो कार्यक्रम है विशिष्ट होता है और विशिष्ट हस्तियों के साथ होता है, तो आज ऐसी ही एक विशिष्ट हस्ती हमारे साथ हैं, आदरणीय प्रबोध कुमार गोविंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। नमस्कार जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का संयोजन नूतन सवेरा, राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी और अद्यतन कला संगम के साथ पॉजिटिव न्यूज नेटवर्क के सहयोग से हो रहा है। और प्रबोध कुमार गोविंद जी की हम बात अगर कर रहे हैं तो मुझे एक लंबा समय चाहिए होगा उनका परिचय देने के लिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि हमारे साथ जो जो भी जुड़े हैं वो उनके परिचय भली भांति परिचित हैं, उनकी रचना यात्रा से भली भांति परिचित हैं। एक ऐसा साहित्यकार जिन्होंने अभी तक इस साहित्य जगत को ही नहीं बल्कि अपने पाठकों को भी एक ऐसे क्षेत्र में समृद्ध किया है जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, और वहाँ तक वो बखूबी पहुँचे हैं। मैं बात कर रही हूँ बाल साहित्य की। बाल साहित्य में आदरणीय प्रबोध कुमार गोविंद जी का जो एक मुकाम है वो हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनकी जो अन्य विधाएं हैं उस पे जो उनकी कलम चली है वो आप पढ़ें तो आपको सुखद आश्चर्य से भर जाएंगे कि एक सरल मासूम भोला भाला एक कहानी को रचने वाला इंसान दुनिया पर कितनी पैनी नजर रखता है। तो इस पैनी नजर के साथ उनकी ये रचना यात्रा कैसे शुरू हुई इसी बारे में हम बात करेंगे। मैं एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी। आदरणीय प्रबोध कुमार गोविंद जी देश के प्रतिष्ठित उपन्यासकार और कथाकार हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि सभी विधाओं में उनका बराबर दखल है, और ये बहुत गौरव की बात है कि अब तक उन्होंने 9 उपन्यास लिखे हैं जिनमें जलतू जलालतू 10 भाषाओं में अनुवादित किया गया है, और उनका कहानी संग्रह है घूस कटुस, थोड़ी देर और ठहर, प्रोटोकॉल, और लघु कथा संग्रह है दो तितलियां और चुप रहने वाला लड़का। अब एक उनकी जीवनी का जो तीसरा खंड है तेरे शहर में मेरे लोग, वो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, और तीसरे खंड के बारे में सुनकर कुछ और ज्यादा उत्सुकता जागती है कि जाने कि क्या है। तो आज हम इस छोटे से समय में कोशिश करेंगे कि जो दो खंड हैं, दो खंडों के साथ ही जो तीसरा खंड है वो कुछ कुछ हमारे इस साक्षात्कार में उतर आए। बैंक सेवा में आप रहे, उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली, मुंबई और मध्य प्रदेश जैसे शहरों में अपना नौकरी के साथ साथ लेखनी को भी बराबर समय दिया है। और ये इसलिए खास बात है कि दिल्ली और मुंबई ये दो ऐसे शहर हैं, महानगर हैं, जहाँ पर समय जो है वो सच में भागता है, और आप चाहे कितने भी तेज धावक हों आप पिछड़ी जाते हैं। ऐसे में इतना बृहद साहित्य रचना बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय, बहुत ज़्यादा सराहनीय, और मैं तो उन्हें साधुवाद देना चाहूँगी कि इतना वक्त वो उन्होंने निकाला। कई देशों की साहित्यिक यात्राएं भी की हैं, और इसके अलावा उनका महिला शिक्षा को समर्पित और देश के प्रतिष्ठित वनस्थली विद्यापीठ और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय से भी अकेडमिक जुड़ाव रहा है। नए प्रयोगों में हमेशा आपने विश्वास किया है, तो फिल्मों के लिए भी लिखा है, और इसके अलावा उनकी जो राही रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने उन लेखकों की कहानी, लघु कथा, कविता और व्यंग आदि की पुस्तकों के प्रकाशन को भी कभी एक अंग बनाया है जिसमें 100 से अधिक लेखक शामिल हैं। तो इस तरह से अपने साथ साथ जो और रचनाकर्मी हैं, रचनाधर्मी हैं, उनको भी लगातार लेकर साथ चलने का ये जज्बा उनके सरल सहज मन को उजागर करता है। अब मैं उस कृति की बात करूंगी जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई और जो कि अपने जमाने की मशहूर अदाकारा साधना के बारे में उनके
जो संस्मरण है, उनके जीवन के अंश हुए पहलू हैं कुछ, उनकी बात करती है ज़बाने आरमन तुर्की। ये इस किताब का नाम है और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ ये उपन्यास। इसमें बहुत सारी बातें हैं, फिल्मों की भी बातें हैं, जीवन से भी जुड़ी बातें हैं। और अगर नए प्रयोग की बात करें तो जयपुर प्रेम की बांकों में शीर्षक से उन्होंने जयपुर के लेखकों से या जो भी जयपुर से संबद्ध रहे हैं उनसे कथाएं लिखवाई हैं। उनका ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सफल रहा है। तो मैंने इतना सारा बोला लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ कम बोला है, लेकिन अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो आदरणीय को मैं कैसे सुन पाऊंगी, जो कि मेरी बहुत इच्छा रही है। फोन पर इतनी ज्यादा बातें करने के बाद भी इच्छा भरी नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दिलचस्प बातों के साथ ये बातचीत शुरू हो रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो अब मैं आदरणीय प्रबोध गोविंद जी को ही से ही चाहूंगी कि वो ही अपने बारे में बताएं। जैसे हमने आपके एक साक्षात्कार में पढ़ा था कि आप शुरू से ही कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय रहते थे, इस बीच में लेखन कैसे आपके जीवन में उतर आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने परिचय इस तरह से दे दिया है कि बहुत सारी बातें लोगों के सामने आपने उस तरह रख दी जो मैं भी बड़े आश्चर्य से सुन रहा था। तो लेखन की जहाँ तक बात है, देखिए मेरी परवरिश एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में ही आरंभ से हुई। मेरे माता पिता शिक्षा से ही जुड़े हुए थे तो शुरू से ही, और एक खास बात ये थी कि मैं जिन दो विश्वविद्यालयों से जुड़ा बाद में भी और आरंभ में भी, वो दोनों ही महिला विश्वविद्यालय थे। और सब जानते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति पुरुषों की तुलना में जीवंत तो होती है, जहाँ वो होती हैं वहाँ तीज त्यौहार गतिविधियाँ इन सब का अस्तित्व कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो हम लोगों को ये मौके बचपन से ही मिला करते थे कि अपने आप को अभिव्यक्त करना, कभी अपनी कविताएं, कभी अपने लेखों के माध्यम से, कभी नाटकों के माध्यम से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती थी और मैं इन चीज़ों से जुड़ता चला जा रहा था। ये मैं महसूस करता हूँ और अपने मुँह से मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि भाषा को लेकर न जाने क्यों एक शुद्ध भाषा और सही भाषा को लेकर मेरा आग्रह बहुत बचपन से था। और मैं बड़ी बड़ी किताबों में, बड़ी बड़ी रचनाओं में, बड़े बड़े लोगों की बातचीत में भाषा की गलतियाँ बहुत आसानी से पकड़ लिया करता था, रेखांकित भी किया करता था। तो मुझे लगा कि मैं भाषा से जुड़ रहा हूँ, और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा तो मेरी रचनात्मकता साहित्य के माध्यम से उजागर होती गई। कला और साहित्य दोनों ही मेरी रुचि के विषय थे, और मैं मेरे ख्याल से मैंने आपके इस सवाल का जवाब दिया है कि साहित्य से मैं कैसे जुड़ा। अच्छा, साहित्य से जुड़ाव ज्यादातर आपने बताया कि इस तरह से हुआ कि पढ़ना लिखना वो शुरू हुआ। कोई ऐसी पहली रचना जो पहली बार पता लगा कि हाँ इस कलम में बहुत ज्यादा जोर है, बहुत शक्ति है? जी, मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में चित्रकारी भी किया करता था, और मुझे एक बार ये मौका मिला कि एक बार मैं एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता में चित्रकला में मैंने भाग लिया और मुझे पुरस्कार भी मिला। तो उसके बाद उसकी जो नियमावली थी प्रतियोगिता की थी, उसमें ये था कि जो जिसको एक बार प्रथम पुरस्कार मिल जाए वो आगे से उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल की 11वीं कक्षा का विद्यार्थी था। तो बस ये समझिए कि मैंने अपने साहित्य को सामने तभी आते पाया कि मैंने कहा ठीक है, मुझे चित्रकला में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा तो मैं निबंध और संभाषण इन दोनों की तैयारी करूँगा। और इसमें जो मैंने एक तो निबंध लिखा और एक कहानी, मेरी छोटी सी कहानी थी पहला दिन आखिरी रात, वो बाद में कॉलेज की गृह पत्रिका में आई, वो मेरी साहित्यिक रचना कही जा सकती है। बाद में साहित्य का विद्यार्थी भी मैं कॉलेज में हो गया, लेकिन ये तो थी विद्यार्थी जीवन की बात। बाद में जब पढ़ाई पूरी करके मैं मुंबई चला आया और वहाँ मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया, उसके बाद दिल्ली प्रेस का विशेष संवाददाता मुझे नियुक्त होने का मौका मिला। सरिता मुक्ता जो मैगजीन थी उनका मैं बॉम्बे कॉरेस्पॉन्डेंट बन गया, और मैं इसलिए अपनी रचना वहीं से पहली मानता हूँ कि मुक्ता में मेरा एक लेख पहले
और फिर सरिता में कहानी, नवभारत टाइम्स में कहानी, सॉफ्ट कॉर्नर, ये मेरी आरंभिक रचनाएं थी जो एक साहित्यकार के रूप में लोगों के सामने आई। क्या बात है। तो इस तरह से रचना यात्रा शुरू हो गई और बड़े धूमधाम से शुरू हुई। आदरणीय, हमारे साथ इस बीच कुछ लोग जो हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, जो प्रबुद्ध जन जुड़ गए हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सेवाराम रत्नानी जी, बहुत ही साहित्य से बहुत ही इनका लगाव है, साहित्य और संगीत के बहुत ही प्रेमी हैं। इसके अलावा आदरणीय कुलिश जोशी जी, ये साहित्य संगीत के साथ साथ वनस्पति से भी, वनस्पति विज्ञान में भी बड़े ही ज़्यादा इनका दखल रहा है और है अभी भी, और बहुत कुछ ऐसा पेड़ों के बारे में इनसे जानकर या कभी किसी रचना के बारे में इनसे जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि क्या बात है। तो इन सभी ने आपका स्वागत किया है और आपको नमस्कार कहा है। और हमारे साथ हैं, और हमारे साथ आदरणीय संजीव जायसवाल संजय जी हैं, सुप्रसिद्ध कहानीकार लखनऊ के, और बाल साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा स्थान है। आप भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आदरणीय शील कौशिक जी हमारे साथ हैं। आदरणीय शील कौशिक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणव भारती जी हैं, आदरणीय प्रणव भारती जी से बात करना एक ऐसा होता है कि लगता है कि आप कितना कुछ कितने कम समय में आपके अंदर समाता जा रहा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध कुमार गोयल जी कि आपने उनसे मुझे एक बार मिलाया। तो बहुत सारी इतनी बातें और इतनी सहज, जैसे आप सहज वैसे ही आदरणीय प्रणव जी भी बहुत सहज। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रणव जी। और हमारे साथ है इस समय सेवाराम रत्नानी जी, लिखते हैं बहुआयामी लेखक श्री मनु प्रमोद जी का साहित्य बहुत ही समृद्ध है। बच्चों पर लिखना इतना आसान नहीं, लेकिन बाल साहित्य में लिखी हुई रचनाएं खा जाती हैं। और हमारे साथ है इस समय सोसी मधु, शशि मधु मधु, आपका रचना जी, आपका रचना संसार रोचक है, इन्होंने कहा है। बहुत स्वागत है आपका आदरणीय शशि मधु जी। प्रमिला भारती जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और दिल्ली में रहती हैं, और काफ़ी उम्र है ज़्यादा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। प्रमिला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश भंडारी जी हैं हमारे साथ, उन्होंने आपको हार्दिक बधाई दी है। तो आज आप सभी के साथ हम प्रबोध जी से जुड़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, ये बहुत ही खास समय है। 30 से ज्यादा आपकी पुस्तकें आ चुकी हैं अब तक। तो ये जो शब्द यात्रा है, ये जो रचना यात्रा है, ये एक लेख से 30 पुस्तकों तक की का जो सफर है, वो कैसे तय हुआ, उसके बारे में कुछ अगर बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी देखिए, आरंभ कुछ मैंने कहानियों से ही किया, और शुरू में लेख के बाद मेरी कुछ कहानियाँ छपती रहीं। जैसा मैंने बताया कि कॉलेज समय में पहली छपी, और उसके बाद इन पत्रिकाओं में नवभारत, नवनीत और सरिता में कुछ कहानियाँ छपी। इसी समय मैं, क्योंकि मुंबई में रहता था, तो दिल्ली के एक प्रकाशक, उनका पत्र मुझे मिला कि हमने आपकी एक कहानी पढ़ी है नवभारत टाइम्स में, और अगर आपके पास 10-12 वैसे इस तरह की कहानियाँ आप लिख चुके हैं तो हम एक कहानी संग्रह आपका निकालने के लिए इच्छुक हैं। और उन्हीं दिनों में आपको मैं बताऊं कि कहानियों के साथ साथ मैं एक उपन्यास पर काम कर रहा था। ये सन 1980 के आसपास की बात है, 1979 और 80 की, और वो उपन्यास मेरा लगभग पूरा होने को था। तो मेरे मन में थोड़ा सा ये विचार आया कि जब एक प्रकाशक स्वयं रचना मांग रहे हैं तो क्यों नहीं पहले इन्हें कहानी की जगह उपन्यास के लिए कहा जाए। तो मैंने उनसे 1-2 महीने का समय मांगा, लेकिन 2 महीने पूरे होने से पहले ही, लगभग 15-18 दिन में वो उपन्यास तैयार होने के बाद मैंने उन्हें भेजा, और वो रचना मेरे पहले उपन्यास के रूप में, उपन्यास का नाम था देह आश्रम का मन योगी,
इसकी बाद में इस उपन्यास के कई अंश भी छपे, इसकी समीक्षाएं बहुत छपी, इसका स्वागत हुआ और मुझे लगता है कि वहीं से विधिवत पुस्तकों की दुनिया में प्रवेश हो गया। कहानियां अपनी जगह रही, दूसरा फिर मेरा कहानी संग्रह अंत्यास्त शीर्षक से छपा, लेकिन पहली रचना जो है किताब के रूप में वो उपन्यास के रूप में है। और मेरी रुचि, वैसे मैं पत्र पत्रिकाओं में लिखने के कारण थोड़ा बहुत कविता भी लिखा करता था, लघु कथाएं भी लिखा करता था, लेकिन उपन्यास और कहानी में फिर मेरी कलम ज्यादा चली। अच्छा, उपन्यास और कहानी मतलब सोचिए कि उपन्यास का जो एक फैला हुआ विस्तार, जो उनका उपन्यास विस्तृत है, और कहानी थोड़ी सी अपने आप में, जैसे से कहते हैं गागर में सागर भर दी जाए तो इस तरह से लेकर चलती है कथा को। इनमें से किस पे आपको ज्यादा आनंद आता है क्या लिखने में, उपन्यास या कहानी? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब देने में मुझे बहुत आनंद होता है। मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं क्यों शुरू से ही हर बात को एक वैचारिकता के चश्मे से देखना मेरी बचपन से ही एक रुचि या जिज्ञासा रही है। तो किसी भी उपन्यास या बड़ी रचना पर काम करते हुए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्रिएटिव राइटिंग में जो चीज हम लिख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इससे संबंधित तार्किक बातें हैं, अपने विचारों का जो फैलाव है, विस्तार है, वो देने की सुविधा उपन्यास में ज्यादा होती है या लंबी कहानियों में ज्यादा होती है। हम अपने पात्रों के साथ साथ स्वयं भी बोल पाते हैं, बाकी छोटी रचनाओं में तो हम अपने पात्रों की बात कह देते हैं, परिस्थितियों की बात कह देते हैं, लेकिन यहाँ क्यों कब कैसे का जवाब भी हम दे पाते हैं। और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा आरामदायक उपन्यास लिखते समय अपने आप को पाता हूँ। हालांकि कुछ लोग, कुछ समीक्षक ये कह सकते हैं कि इसमें लेखक बहुत ज्यादा बोल रहा है, लेखक अपने पात्रों से ज्यादा आ रहा है। शुरू के उपन्यासों में ऐसा हुआ भी है, हालांकि बाद में मैंने इस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन यही कारण है कि बड़ी रचनाओं में आज भी, जबकि मैं देख रहा हूँ मैंने लघु कथाएं भी प्रचुर लिखी है, मेरा पहला लघु कथा संग्रह मेरी 100 लघु कथाएं शीर्षक से 1985 में आ गया था। दूसरा कहानी संग्रह, ये जिसका अभी आपने नाम लिया, 2 तितलियां और चुप रहने वाला लड़का, ये थी। लेकिन लघु कथाओं में आज भी, जबकि आज लघु कथाओं का दौर है, अगर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बहुत लोग लिख रहे हैं, मुझे भी जोड़ते हैं, मुझसे जोड़, कई बार इनसे इस पर बात भी करते हैं, पर मैं यही कहता हूं कि लघु कथा क्योंकि लघु रचना है तो उसमें उससे संबंधित जो बातें हैं वो करने में थोड़ी सीमा है। और इसलिए मैं आज भी, आज मेरे 12 उपन्यास प्रकाशित हैं और 1 या 2 ऐसे हैं जो शायद अगले वर्ष में लोगों के सामने आएंगे, तो मैं वहां सहज अपने आप को पाता हूँ। वाह, क्या बात है। प्रणव भारती जी ने कहा है कि सही कहा आपने, जो आपने उपन्यास लिखने की बात कही, तो उनका ये संदेश है। और आदरणीय विमला भंडारी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। अलका प्रमोद जी आदरणीय हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अलका प्रमोद जी। और जागृत शास्त्री जी हैं हमारे साथ, जागृत शास्त्री जी लगातार जुड़े रहते हैं साहित्य संगीत कला से, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। और प्रणव भारती जी ने कहा है कि कमाल के उपन्यास हैं आपके, आपके उपन्यासों के बारे में तो आदरणीय विमला भंडारी जी ने ये कहते हुए, आपके वो पढ़ रही थी उन दिनों, और जब मैंने आपके बारे में जाना तो उस उपन्यास के ही माध्यम से जाना, कि उन्होंने कहा कि कमाल का उपन्यास है, मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ते पढ़ते चमत्कृत हो रही हूँ। तो मुझे लगा कि विमला जी चमत्कृत हो रही हैं, तो मुझे एक बार जरूर आपसे बात करनी चाहिए। और फिर जब मैंने ये जो पत्रिका थी वो पढ़ी आप पर, जो केंद्रित है, और वो पत्रिका इस वक्त मेरे पास मौजूद भी है सौभाग्य से, मैं वो पत्रिका एक बार उसको दिखाना चाहूंगी, सलिल प्रवाह। तो इस पत्रिका के माध्यम से जब मुझे आपके बारे में, आपकी कहानी पढ़ी, जो कहानी मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, तो उस कहानी को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जब ये मुझ मेरी उम्र में आकर मेरे अंदर के बच्चे को एकदम से जगा सकती है झिंझोड़ कर, तो ये बच्चों को कितनी अच्छी लगती है। और कितने ऐसे बच्चे मुझे याद हुआ है जिन्होंने अपनी गेंद का, अपने बल्ले का, अपने घर के किसी कोने का कुछ ना कुछ नाम अभी भी रखते हैं, भले ही वो
टेलीविजन में या और दूसरे माध्यमों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। तो इन सब बातों के साथ आदरणीय राम किशोर जी हमारे साथ हैं, आप डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी के सचिव हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप उनको सुने जिन्होंने आपकी आदरणीय प्रबोध कुमार गोविल जी के बारे में जितना जान रही हूँ उतना ही मैं उनकी मुरीद होती जा रही हूँ। इन्हें मैंने सबसे पहले एक सशक्त लघु कथाकार के रूप में तब जाना जब आदरणीय मधुदीप जी द्वारा संपादित अखिल भारतीय स्तर की लघु कथा की पड़ाव एवं पड़ताल श्रृंखला के खंड में मैंने इनकी 11 लघु कथाओं पर समीक्षात्मक आलेख लिखा। मातृ भारती पर इनकी कहानियां मैंने पढ़ी हैं। ये जितने अच्छे लघु कथाकार हैं उससे भी कहीं ज्यादा विख्यात उपन्यासकार एवं कथाकार हैं। सलीला संस्था की पत्रिका सलील प्रभा हाल ही में मुझे हस्तगत हुई। इस बार का अंक प्रबोध कुमार गोविल जी पर ही केंद्रित है। तब मुझे बाल साहित्यकार के रूप में इनका अनूठा आयाम देखने को मिला। बाल साहित्य की विविध विधाओं यथा बाल कहानी, जीवनी, संस्मरण, बाल कविता तथा बाल उपन्यास अंश मैंने इनका पढ़ा। बच्चों के लिए की नब्ज टटोलकर जो इन्होंने प्रयोग धर्मी रचनाकार के रूप में मंगल ग्रह के जुगनू 7 भागों में उपन्यास लिखा है वह इनकी कालजय कृति है। आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी द्वारा लिए गए आपके साक्षात्कार से मैंने बहुत कुछ जाना। नवोदित साहित्यकारों को संदेश में आपने के उदारवादी दृष्टिकोण का पता चलता है। आपने कहा कि किसी के कहने से लेखक को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर पैटर्न के पाठक बाजार में हैं। आप जैसा लिखेंगे वैसे पाठक आपको ढूंढ लेंगे। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी प्रबोध कुमार गोविल जी को साधुवाद एवं अनंत शुभकामनाएं। आपकी डॉक्टर शील कौशिक हरियाणा की जिन्हें श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से सुशोभित साहित्यकार हैं वो, और बहुत ही सुंदर लिखती हैं। तो आदरणीय शील कौशिक जी को सुनते हुए मंगल के जुगनू का जिक्र हुआ और बाल साहित्य में आपका जो एक खास मकाम है उसके बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि बहुत चौंकाने वाला, बहुत विस्मित करने वाला, चौंकाना शब्द भी गलत है, विस्मित कर देने वाला जिसको कहते हैं हक्का बक्का होकर देखना, तो उस संसार की हमें सैर कराएं और हमें बताएं कि कैसा है वो संसार और बाल साहित्य में आपका जाना कैसे। जी ये भी बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं आपको बताऊं कि जैसा आप कह रही हैं चौंकाने वाली बात, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने आरंभ बाल साहित्य का इस तरह किया कि अपनी नौकरी के चलते और कई शहरों में कई जगह रहते हुए मुझे कई बार अपने परिवार से दूर भी रहना होता था। तो ऐसे में जब कभी छुट्टी के थोड़े से समय में घर में मैं जाता था तो मैं देखता था कि बच्चे कौन कौन सी पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, तो मेरा ध्यान जाता और फिर मैं ये सोचता कि चाहे मैं नवनीत और सारिका और धर्मयुग में लिख रहा हूँ लेकिन बच्चों से बात करने के लिए उन पत्रिकाओं में भी लिखूं। और मैंने तब ये नंदन आरंभ पराग, तो मैं उससे पहले से भी उसमें भाग ले रहा था, और कुछ और पत्रिकाएं बच्चों की मैंने उनके लिए बच्चों का देश, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। और मैं ये कल्पना करता था कि अब इसे बच्चे पढ़ रहे होंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इस तरह मेरा प्रवेश बाल साहित्य में होता गया। मेरी कई रचनाएँ, छोटी छोटी कविताएं भी
उसमें आई, लेकिन फिर वो जो चौंकाने वाली बात तब हुई कि 2003 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में मेरे एक बाल उपन्यास उगते नहीं उजाले उसको सूर पुरस्कार दे दिया। उस पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद, लखनऊ में वो सम्मान लेकर आने के बाद, मुझे लगा कि अरे मेरे बाल साहित्य में कुछ न कुछ ऐसा है जो लोगों को पसंद आ रहा है। जबकि आपको बताऊं कि उस उपन्यास में, उस बाल उपन्यास में मेरी बचपन में अपने बच्चों को सुनाई हुई लगातार कहानियां ही एक श्रृंखला के रूप में बांधी गई थी। वो एक ऐसा कथानक था जो रोज कहानियां में सुनाया करता था बच्चों को, उन्हीं को मैंने एक सूत्र में पिरोकर एक उपन्यास की शक्ल में उगते नहीं उजाले शीर्षक से दिया। क्या बात जी। तो मुझे लगा कि बाल साहित्य और लिखना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हैं, देश से भी बाहर चले गए या राज्य से बाहर चले गए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब बच्चे तो घर घर में हैं, मेरे अपने नहीं तो और दूसरों के हैं, तो उनके लिए लिखें, और इसलिए मैं बाल साहित्य से जुड़े ही रहना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैं काफ़ी एक कार्यक्रम में मुझे सलूम्बर जाने का मौका मिला, ये सलीला पत्रिका का ही जो समारोह था, तो वहाँ जाके वहाँ का माहौल देखकर और वहाँ की गतिविधियाँ देखकर मुझे ये लगा कि बाल साहित्य को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोगों को, नागरिकों को, बच्चों को, बड़ों को उगते हुए देखते हैं। जैसा अभी अभी आपने कहा कि आप में भी रुचि जागृत हुई, तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति चाहे 80 वर्ष का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 20 का हो और चाहे 2 का हो, अगर लिखे हुए अक्षर पर, लिखे हुए शब्द पर उसका ध्यान जाता है, तो लेखक का ध्यान भी उस पर जाना चाहिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है। सेवाराम रत्नानी जी कह रहे हैं आदरणीय कि पराग और नंदन बाल पत्रिका में उन्होंने भी आपको पढ़ा है। क्या बात है, सोचिए। और वो आपके पाठक जो हैं बड़े हो गए हैं, लेकिन आपके प्रति उनका स्नेह वैसे ही बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये प्रमाण पत्र में याद रखूंगा उनका। आदरणीय ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिव्य त्रिवेदी है हमारे साथ, ये थोड़ी सी आगे की पीढ़ी की, थोड़ी सी छोटी, लेकिन बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही समझदार, लिखती पढ़ती है, कविताओं के मामले में भी और गद्य के मामले में भी बड़ा ही इनका फैलाव, इनका बड़ा सजग और सतर्क निगाह रहती है उस फैलाव पर इनकी, और बहुत सुंदर लिखती है। दिव्या आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणव जी कह रही है कि दिल के किसी कोने में मासूम सा बच्चा रहता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कहानी उपन्यास में आपको उपन्यास ज्यादा भाता है क्योंकि उसमें बोलने का अवसर ज्यादा रहता है। जब किसी बड़े से बोला जाता है तो उसके लिए हम बातचीत का विषय भी हम भारी भरकम ले सकते हैं जो उनकी समझ में आ सके, लेकिन बच्चों के लिए तो बड़े ही सहज सरल वैसे विषयों पर ही बात की जा सकती है, और जो भाषा होती है उस पर भी बड़ा एक नियंत्रण सा रखना पड़ता है कि बच्चों को भी आसानी से समझ में आ पाए और वो जुड़ पाए उस भाषा से, भाषा ऐसी हो कि वो उनको थोड़ी वैसी भी लगे। आपकी जो कहानियां पढ़ी हैं उसमें बच्चों की भाषा वैसी है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये कैसे होता है। जी, अगर भाषा की बात हम करें तो मैं यहाँ भी दो छोटी छोटी बातें आपको बताऊं कि भाषा से मेरा जुड़ाव किस तरह रहा। एक तो इस तरह से रहा कि मैंने अपनी, आपने अभी बैंक का नाम लिया था, बैंक की लंबी नौकरी में भी भाषा विभाग का ही प्रमुख मैं अपने क्षेत्र में रहा, तो भाषा से संबंधित देश भर के लोग हमारे यहाँ प्रशिक्षणों में आते थे और हम उन्हें पढ़ाते भी थे और पढ़ने के लिए सामग्री देते भी थे। अपने यहाँ की जो बोलचाल वगैरह की जो बात होती थी वो अभ्यास वगैरह भी करवाते थे। तो एक बात तो ये हुई बड़े होने के बाद, लेकिन बचपन में भी जैसे अभी मैंने नाम लिया था कि वनस्थली विद्यापीठ एक ऐसा परिसर था जहाँ अन्य प्रांतों के लोग, बहुत सारे लोग रहते थे, तो जैसे हम जिस राज्य में रहते हैं आमतौर पर उसी राज्य की भाषा हम बोलने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि स्टाफ क्वार्टर्स में आप देखिए कि इस मकान में मध्य प्रदेश का व्यक्ति रह रहा है तो अगले वाले मकान में उत्तर प्रदेश का है, उससे आगे पंजाब का है, उससे आगे आसाम का है, कोई बंगाल का है, कोई दक्षिण भारत का है, तो वहाँ एक बात पर सतर्कता से ध्यान जाता था कि जो भी
अच्छी भाषा है, वह ग्राह्य भाषा है, उसका वो रूप जो सरलतम हो, सहजतम हो, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम अनजाने ही उस भाषा से परिचित होते चले गए। और अपने स्कूल में भी, क्योंकि अलग अलग जगह के लोगों से बात करते थे, बच्चों से बात करते थे, तो मुझे ये लगा कि जबकि हिंदी तो बहुत समृद्ध भाषा है और संस्कृत का सरलतम रूप होने के कारण हिंदी में पर्यायवाची भी बहुत सारे हैं, एक एक शब्द के लिए 10-10 शब्द हैं, तो उस शब्द में से हम वो शब्द चुने जो कि ज़्यादा प्रचलित हों, ज़्यादा समझ में आने वाले हों। अगर एक पंजाबी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कश्मीरी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या गुजराती व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मराठी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो सहज शब्द जो हैं वो जबान पे आ जाते थे। और इसी बात ने मुझे लाभ पहुँचाया बाद में जब विधिवत लेखन शुरू हो गया, प्रकाशन शुरू हो गया, और ये भाषा वाले मसले का हल इसी तरह निकला जो आपका सवाल है। क्या बात है, भाषा की सहजता या आपकी बातें एक सीख है उन सभी के लिए जो कि भाषा को लेकर कई बार बड़े सतर्क रहते हैं और भाषा के मामले में बड़े नपे तुले और बड़े फूक फूक कर कदम चल रखते हैं, कि जो सहजता से समझ में आ जाए, जो सबके मन में आ जाए, पहुंच जाए, मन तक पहुंच जाए, वही भाषा सबसे अच्छी भाषा। अब मैं एक बार फिर से बाल साहित्य की तरफ लौटना चाहती हूँ, और इस बीच हमारे साथ रुचिका शर्मा जी जुड़ गई हैं। कहती हैं कि आदरणीय प्रबोध गोविंद सर से रूबरू होना सचमुच सुखद है। बहुत स्वागत है आपका रुचिका जी। मंगल ग्रह के जुगनू की बात हुई थी और वो बीच में रह गई और मैंने एक दूसरा सवाल कर लिया था, तो इस कृति के बारे में कुछ बताना। जी, मंगल ग्रह के जुगनू, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हम लोग ये सोचा करते थे कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, एक तार्किक दृष्टिकोण, खाली विज्ञान यानी साइंस की बात नहीं है, तार्किक या बौद्धिक दृष्टिकोण, उस दृष्टि से सोचकर पहले उसमें हमने इसको मंगल ग्रह के जुगनू में ये कल्पना की कि मंगल ग्रह से दो जुगनू पृथ्वी पर आते हैं, यहाँ उन्हें कुछ जीव जंतु मिलते हैं जिनसे उनकी दोस्ती होती है और वो यहाँ उनकी गतिविधियों में उनके साथ होते हैं। तो ये श्रृंखला जो है, श्रृंखला तो मैं इसको बाद में कहूँगा, जब ये पहला वो निकला तो ये इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके ऊपर कई समीक्षाएं कई पत्रिकाओं ने लिखी, कई लोगों ने चर्चा की कि एक वर्ष बाद इसका भाग दो, फिर बाद में भाग तीन। यानी आप देखिए कि जो बनारस की जो वो पत्रिका आती है हिंदी प्रचारक संस्थान, उस तक ने लगभग हरेक पर हरेक अंक पे समीक्षा की और ये लिखना शुरू किया कि ये श्रृंखला बच्चों के लिए बहुत ही अलग तरह की श्रृंखला है। तो ये बढ़ती चली गई और यही कारण है कि अभी आपने 7 खंड कहे थे, आपकी जानकारी के लिए बताऊं इस बार उसका 8वां खंड भी अभी हाल ही में 1 महीना पहले आ गया है। और उसमें फिर ये कोशिश की गई कि बहुत कम सीमित पात्रों के माध्यम से, दो जुगनू और कुछ बच्चों और कुछ जीव जंतुओं के माध्यम से, हर बार कोई ना कोई एक ऐसी बात उठाई जाए जिससे बच्चों को कुछ सिखाया जा सके। कभी हम आवाज़ की बात उठाते हैं तो कभी संगीत की बात उठाई, कभी वनस्पतियों की, अभी आप जिक्र कर रहे थे, वनस्पतियों की बात उठाई, कभी जो है बाजार की बात उठाई, और अभी कुछ समय पहले कोरोना की बात भी हमने इसके माध्यम से उठाई। और उस इस कविता में एक कहानी तो होती ही है इस खंड में, कहानी के साथ साथ एक काव्य रचना भी अंत में होती है जिसमें बहुत सरल तरीके से बच्चों को ये बताया जाता है, और फिर इसका अंत वहीं कर दिया जाता है कि वो जुगनू वापस लौट गए मंगल ग्रह पे और यहाँ जो उनके मित्र थे वो इस प्रतीक्षा में रहे कि अगले साल वो फिर आएंगे। इस तरह ये श्रृंखला रही। क्या बात है, तो आपने कविता का जिक्र किया है, तो अगर उसकी कोई कविता हमें सुनने को मिले तो आनंद आ जाएगा। बिल्कुल, मैं ये एक अंक मैंने इसका रखा हुआ है, और इसमें वैसे तो हर बार एक कविता रहती है, लेकिन एक इसमें एक इतनी सी कविता है कि एक बार एक महिला ने, एक बूढ़ी महिला ने जो कि दादी नानी की उम्र की, उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम ये जुगनुओं के संग मुझे भी मंगल ग्रह पे भेज दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो बच्चों ने उनसे कहा कि आप तैयार होके आ जाइए और हम जुगनुओं से कह देंगे कि आपको ले जाएं मंगल ग्रह पे। तो वो जब आई, वही एक कविता में बताया गया है, आपकी इजाजत हो तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ दूं। स्वागत है। जी जी, तो देखिए इसमें वो वही जिक्र है कि करके पैकिंग बूढ़ी माई मंगल ग्रह जाने को आई,
थैले में सामान न आया, बोरी बक्से में रख लाई। लंबी चौड़ी मच्छरदानी लेकर साथ मसालेदानी, तेल पाउडर साबुनदानी, कंघा शीशा भी रख लाई। मंगल ग्रह जाने को आई, लिए हाथ में एक छड़ी, बांधे छोटी नई घड़ी, चप्पल पहने बड़ी बड़ी, माचिस और टॉर्च भी लाई। मंगल ग्रह जाने को आई, कंधे पर कश्मीरी जैकेट, सौंफ सुपारी छोटा पैकेट, सुनने को आशा का कैसेट, बेटी का मोबाइल लाई। मंगल ग्रह जाने को आई, तकिया चादर एक चटाई, पतली नीली हरी रजाई, मठरी जगकर रात बनाई, लड्डू डिब्बा भर के लाई। मंगल ग्रह जाने को आई, पांच दुकान अचार चखे, पापड़ तीन तरह के रखे, चूरन चटनी जो भी दिखे, चाट मसाला भी रख लाई। मंगल ग्रह जाने को आई, पूजा करने को तस्वीर, गले पड़ी मोटी जंजीर, बना सके जब चाहे खीर, चीनी चावल भी ले आई। मंगल ग्रह जाने को आई, एक दिया रुई बत्ती सी, काली लाल मिर्च इतनी सी, रखना ना भूली बत्ती सी, डिब्बा भर के बड़ा दवाई। मंगल ग्रह जाने को आई, खाली लोटा और कटोरा, सिलने को सुई और डोरा, थोड़ा सा कपड़ा भी कोरा, गीता रामायण रख लाई। मंगल ग्रह जाने को आई, चुपने को मोती की माला, लोहे का भारी सा ताला, झुमका वही बरेली वाला, इलाहाबाद का सोमा लाई। मंगल ग्रह जाने को आई, बटुआ देखो नोट बड़े, धोती और रुमाल पड़े, आठ चूड़ियां चार कड़े, सबको बाय बाय कह आई। मंगल ग्रह जाने को आई, लेकिन फिर अंत में देखिए कि ये पूरी तैयारी उसने बच्चों के कहने पे की, लेकिन फिर अंत में क्या हुआ ये कुछ पंक्तियां और देखिए। कितने दिन और कितनी रात, सफर किया घंटों नाबाद, दूर दिखा मंगल तो आई, अपनी धरती माँ की याद, बोली फौरन गाड़ी मोड़ो, क्यों करते टाइम बर्बाद, इससे तो अच्छा है अपना प्यारा वही अहमदाबाद। प्रणव जी को ये समर्पित है। प्रणव जी अहमदाबाद में रहती हैं, तो उसने यही कहा कि इससे प्यारा वही अहमदाबाद। तो इस तरह बच्चों ने उस बूढ़ी माई को मंगल ग्रह ले जाने के लिए बुलाया। इस तरह की छोटी छोटी कविताएं हर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल मन में आ गई और मन में घर कर गई। आदरणीय प्रणव भारती जी ने कहा है कि बच्चों की जागृति के लिए अनुपम साहित्य बहुत मनभावनी रचना, बहुत मनोरंजक रचना। दिव्या त्रिवेदी ने कहा है आहा मनहर रचना। रमीला भारती जी ने कहा है बहुत सुंदर रचना है जी। और सेवाराम रत्नानी जी कहते हैं कि लेखक की परिकल्पना को सादर नमन है, उनके भाव को भी अभिनंदन करता हूँ। कड़ी मेहनत के बाद एक रचना जब प्रकट होती है तब तक में जाने कितने पन्ने फाड़े जा चुके होते हैं। प्रणव भारती जी ने कहा है क्या बात है, क्या सुंदर कल्पना, प्रभाव भी, प्रणव भी दादी नानी है ना। तो जुमला भंडारी जी ने कहा है जल तू जलाल तू उपन्यास एक बेहतरीन उपन्यास है, इस पर भी कुछ कहें। तो हम उसी पर आ रहे हैं। आदरणीय सुशीला विक्टर जी हमारे साथ हैं। मंगल ग्रह जाने को आई दादी ने क्या खूब की तैयारी, सुंदर रचना, बहुत स्वागत है आपका आदरणीय सुशीला विक्टर जी। बच्चों के साहित्य की हमने बात की है और बच्चों की मनोविज्ञान को समझने की बात कही है, कही जाती है, तो बच्चों का ये मनोविज्ञान भी आपने बखूबी बहुत अच्छी तरह से समझा है। अब हम बड़ों की तरफ अगर आए और बड़ों की बात करें तो बड़ों का जो संसार होता है वो थोड़ा जटिल, थोड़ा दुरूह होता है। अब इस संसार में जाते हुए आप अपनी ये जो निश्चलता है रचनाओं में जो आपके उतर के आती है
और ये जो बेबाक कह देने वाली आदत है, ये सब बना कर चलते हैं या इसे वहीं पीछे छोड़ आते हैं और फिर उनका रूप धारण करते हैं? जी, अब की बार आपने थोड़ा कठिन सवाल पूछा है, और लेकिन क्योंकि अब कठिन सवाल तो आना ही था, क्योंकि अब बात बड़ों की हो रही है, बड़ों की दुनिया थोड़ी कठिन जी, बच्चों जैसी सरल नहीं है, और बच्चों की भी दुनिया सरल नहीं उतनी होती, कठिन ही होती है बच्चों की दृष्टि से, लेकिन वो क्योंकि बड़ों की छत्र छाया उनको उपलब्ध रहती है तो उनकी सब समस्याओं का हल निकलता रहता है। बड़ों की दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर समय कोई छत्र छाया हो, आपकी पीठ पे हर समय किसी की उंगलियों का स्पर्श हो, और इसीलिए कभी कभी ऐसी पेचीदगी सामने आ जाती है, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं और बड़ों की रचनाओं में वो आती हैं। और इस तरह जब मैं कहानियां और उपन्यास की बात करता हूँ तो आपको बताऊं कि उपन्यासों को लिखते हुए भी पहला उपन्यास में तो मेरे काफ़ी कुछ बालपन का असर था, उसका जो पात्र करण जो था मेरे पहले उपन्यास का, उसको बचपन से बच्चे से ही बड़ा होता दिखाया गया था। लेकिन बाद के उपन्यासों में एक रेत होते रिश्ते एक मेरा उपन्यास था, वंश उपन्यास था, उसके बाद आखेट महल उपन्यास, वो देश के पूरी आर्थिक और जो जिसको कहते हैं व्यावसायिक स्थिति के ऊपर था, और जिसका जिक्र भी आदरणीय विमला भंडारी जी ने किया है जलतू जलालतू का, उस सीधे मैं उस उपन्यास पर आऊँ तो वहाँ पर वैश्विक परिदृश्य है, थोड़ा सा वो परिवेश है, वो एक ऐसा उपन्यास है जहाँ खाली विशेष रूप से स्त्री मन की जो यात्रा है उसको लेकर के उसमें बात की गई है। उस जलतू जलालतू उपन्यास 11 भाषाओं में अभी तक प्रकाशित हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि ये इस कहानी की जो नायिका है उसका आरंभ भारत से, भारत में भी राजस्थान से, एक रेगिस्तान के एक गांव से होता है जहाँ उसका जन्म हुआ है, लेकिन बाद में एक एनजीओ के लोगों द्वारा उसको गोद दिलवा दिए जाने से वो एक संपन्न परिवार में और मुस्लिम धर्म अपना करके बाहर चली जाती है देश से, और बाद में एक सैनिक से उसका विवाह होता है और उसके बाद वो अमेरिका चली जाती है। तो इस तरह उस उपन्यास में 3 बार उस बच्ची की, उस महिला की राष्ट्रीयता भी बदलती है। तो हम ये कह देते हैं कि हम तो स्त्री की या महिला की, नारी की शादी होते ही हम तो सरनेम बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं, पहनावा बदल देते हैं, और ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, वो नए परिवेश में चली गई। लेकिन उसकी दृष्टि से उसके अंदर बैठ कर देखिए, उसके मस्तिष्क में बैठ कर देखिए कि ये बदलाव वो कब कब और कैसे करे, संस्कार एक जगह से ले, वात्सल्य दूसरी जगह दे, जीवन की समस्याओं से तीसरी जगह जाके जूझे, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, उसके पास अपने लिए कितना तो समय बचेगा और क्या बातें बचेगी। तो इस तरह की जटिल बातें जटिलता के साथ आती जाती हैं, और लेकिन इस उपन्यास में भी जलतू जलालतू को बहुत पसंद किया गया, और कई भाषाओं में इसका जब अनुवाद होता गया तो मेरे सामने भी रास्ते खुले। मैं आपको ये छोटी सी बात बताऊँ कि कई बार मेरे पास फोन ऐसे आते हैं कि जब किसी और भाषा में कोई व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, बहुत सारी महिलाएं भी, एक महिला ने मुझे जलंधर के पास एक गांव से फ़ोन किया और वो सीधे पंजाबी में बोलने लगी, तो मैं जब हिंदी में जवाब देता रहा थोड़ी देर तक, तो उन्होंने कहा कि आपको पंजाबी नहीं आती। मैंने कहा जी आपने अगर मेरी कोई किताब पढ़ी है तो मेरी 4 किताबें पंजाबी में अनुवाद हैं। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा कैनेडा में रहता है, वो उसके पास से लौटी हैं और वहीं एक लाइब्रेरी से उनके बेटे ने उनको मेरा उपन्यास पंजाबी में जो वो था ला के दिया, और बोले कि उसमें उसके 10 पेज ऐसे हैं जो मैं अपने बेटे से बहस किया करती थी और आपने वही बात उसमें डाली है, तो मैं उसको फोटो कॉपी करा के दे के आई, क्योंकि तू पूरी किताब नहीं पढ़े तो कम से कम ये 10 पेज जरूर पढ़ के देख। तो आप सोचिए कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैंने उनको बहुत बहुत आभार माना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कई बार एक दो लोग मुझे सिंधी में बोलने लग जाते हैं फ़ोन पे, तब मैं उनसे कहता हूँ कि सिंधी में मेरी 3 किताबें हैं जिनके अनुवाद हुए हैं, लेकिन मैं नहीं जानता, पर फिर भी मैं नतमस्तक रहता हूँ उन लोगों पर कि वो इतने इस तरह की बात दूसरी भाषा में कही गई बात को भी ग्रहण कर लेते हैं और जीवन में उतार लेते हैं। क्या बात, उन 10 पन्नों का कितने क्या था, ऐसा क्या था? हाँ, अब मैं बताऊँ आपको उसमें क्या था। उसमें एक माँ और बेटे के बीच एक बहस थी, सिर्फ इतनी सी बात थी कि उसमें एक बच्चा था मेरे इस जलतू जलालतू उपन्यास में जिसके पिता सेना में थे लेकिन वो नहीं रहे थे,
उनका देहांत हो चुका था, तो वो माँ और बेटा ही घर में थे, तो माँ जो है घबराती थी कि बच्चा कोई भी रिस्क का या जोखिम का कार्य न करे, और उसे उस सेना में जाने से भी रोकती थी। लेकिन बच्चे को के भीतर एक बात पनपी कि उसने अमेरिका में घूमते हुए अपने दोस्तों के साथ वहाँ का जो नायग्रा फॉल है झरना, उसके पास वो लोग रहते थे, उस झरने को देखा और उस झरने को पार करने का संकल्प मन में कर लिया। तो माँ एकदम घबरा गई इस बात से, और वो जो बहस थी कि माँ उसे समझाया करती थी कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी बहुत गुस्सा होके, कभी धमकी देके, कभी आर्थिक मदद रोक के, तरह तरह की, लेकिन बच्चा जो है किसी न किसी तरह माँ को मनाता रहता था और अपने कार्य में लगा रहता था कि मैं ये काम करूँगा, इस झरने को एक नाव से पार करके बताऊँगा। और वही वो 10 पेज उसमें थे विवरण, जो वो महिला कहती थी कि मैं अपने बच्चे को जब कोई चीज़ समझाती थी तो मैंने आपकी उस भाषा का और उन तर्कों का सहारा लिया। जैसे माँ और बेटे के बीच में समझाना इसी तरह से होता है, वहाँ कोई एक स्वर नहीं होता, कोई एक आवाज़ नहीं होती, कभी धमकी भी होती है, कभी प्यार भी होता है, यद्यपि प्रच्छन्न प्यार तो हर समय होता है, पार्श्व का प्यार, नेपथ्य का प्यार हमेशा होता है, लेकिन सामने गुस्सा भी होता है, मारपीट भी होती है, थोड़ा सा दुराव छिपाव भी होता है, खेलकपट भी होती है। उस तरह की वो बहस की बात उन 10 पन्नों में थी जो उनको अच्छी लगी। क्या बात है। ये तो एक इस तरह का जैसे लगता है कुछ ऐसी जादुई बात है इस उपन्यास में, कि मैं जिनसे भी सुनती हूँ उनसे इस उपन्यास के बाबत सुनती हूँ और कहते हैं वो लोग कि तुम्हें एक बार ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी और जल्द ही पढ़ूँगी। विशाल लकोडे जी हमारे साथ हैं, उन्होंने आपकी कविता के क्या बहुत पसंद आई मेरे को। प्रणव भारती जी आखेट महल की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि जल तू जलाल तू तो कमाल है ही, आखेट महल भी बहुत प्रभावित करता है जी, कुछ उसके बारे में बताएं। अच्छा, आखेट महल उपन्यास जो है, देखिए उसमें क्या है, एक ये सब लोगों ने ये दौर देखा है और कम से कम हमारी उम्र के लोगों ने तो बहुत शिद्दत से देखा है कि बहुत सारी चीजें हमारे देश में आजादी के बाद जो राजा और सामंत रजवाड़े और जमींदार वगैरह जो थे, जिनके पास बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मिल्कियत थी, भवन थे, हवेलियाँ थी, महल थे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, लोकतंत्र आने के साथ साथ सारा माहौल बदल गया। लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी थी और उससे उन लोगों का ध्यान पहले हटा और वो लोग कोई पढ़ने के लिए, कोई रहने के लिए, कोई व्यापार के लिए विदेशों में चले गए, यहाँ वो संपत्ति उनकी उपेक्षित पड़ी रही। लेकिन सरकार ने फिर कभी कभी ये कोशिश की कि वो लोग वापस आएँ भारत में और यहाँ अपने पैसे को, अपनी कमाई को इन्वेस्ट करें, तो उनको काफ़ी सुविधाएं दी कि आपकी जो बेकार पड़ी हुई ये संपत्तियां हैं, चाहे वो महल है या हवेलियां हैं या भूमि है, उसको आप चाहे होटल में कन्वर्ट कर लें, चाहे किसी गार्डन में कन्वर्ट कर लें, ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था को उससे एक वृद्धि मिले, बूस्ट मिले। और उन लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि वो अपना पैसा यहाँ लगाएं, सरकार भी उन्हें मदद दे, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी हुए, बहुत से राजे रजवाड़े पुराने सामंतशाही के मुरीद लोग भी यहाँ आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वो सरकारी सुविधाओं का लाभ तो उठा लिया, लेकिन लाभ के बाद जब लाभ पहुँचाने की बात आई तो वो इस तरह संकीर्ण मस्तिष्क होते चले गए, और उस लाभ को लेने के बाद उनके लाभों के साथ फिर से काली कमाई करना, विदेशों में जा बसना, अपने पैसे को बाहर रखना, यही सब शुरू हो गया। और हमारे यहाँ की गरीबी को उनकी मदद नहीं मिल पाई और वो महल, वो उजले महल धीरे धीरे आखेट महल में बदलते गए। आखेट जैसे शिकार का की बात होती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था ने उनको सब्सिडी देके, लाभ देके, मौके देके जो अवसर दिए थे वो अवसर उन्होंने लौटाए नहीं। ये बात इस उपन्यास में आखेट महल में यही बात है कि वो सुविधाएं जो हैं वो लोग फिर से ले गए, एक बार फिर वो छल गए, एक बार फिर से कपट के सहारे सुविधाओं को ले। क्या बात है। यथा नाम तथा आपकी बातचीत, जो आपका वार्तालाप है आपसे कर रही हूँ, आपके नाम की जो महत्ता है वो मेरे अंदर आती जा रही है, प्रबुद्ध बातें, और ऐसा कि हमें अपना बहुत सी उन बातों का बोध होता चले जिन पे शायद हमारी नज़र अभी तक नहीं गई है।
और ओम प्रकाश क्षत्रिय जी ने कहा भी है, संदेश भेजा है कि साक्षात्कार से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सीखने को मिली हैं, आपके उपन्यास और पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बात उभर कर आती है कि भाई जब बातें हो रही हैं तो उनमें कितना ज्यादा जीवन से जुड़ा हुआ कितना ज्ञान हमें मिलता जा रहा है। अब एक छोटा सा संदेश, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव भारती अहमदाबाद से। आज प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार प्रबोध गोविल जी का साक्षात्कार लिया जा रहा है और उसमें मुझे कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ राजुल जी के। दरअसल मेरी प्रबोध गोविल जी से मुलाकात शायद 2014 में हुई थी और उसके बाद हम निरंतर हमारी मित्रता बनी रही। वो अहमदाबाद आते रहे, वैसे तो उनका जयपुर ठिकाना है, रहते हैं वहाँ पे वो, इसलिए बहुत अधिक मिलना तो नहीं हो पाता था, लेकिन जब भी वो अहमदाबाद में आते थे तो हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमारी चर्चाएं होती रहीं। मैंने हमेशा दरअसल गोविल जी को ज़मीन से जुड़े हुए पाया है, वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत सरल व्यक्तित्व के, बहुत सहज व्यक्तित्व के इंसान हैं। और हम जहाँ पे भी हम उनसे कहते हैं, हमारे 3-4 लोगों की हमारी मित्र मंडली है, हम आपस में सब मित्र हैं, और हम जहाँ भी उनसे कहते हैं वो बिना झिझक के बड़े आसानी से, मेरे घर पे भी कई बार मुलाकात उन्होंने दी हैं अपने, और हमारी काफ़ी सारी चर्चाएं होती रही हैं, हमारी साहित्य पे फ़ोन के ऊपर भी काफ़ी सारी चर्चाएं होती रही हैं। तो राही रैंकिंग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जिसके लिए उनका परिश्रम वंदनीय है, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ प्रबोध जी को और राजुल जी को कि वो खूब प्रगति करें, आगे बढ़ते रहें और खूब प्रसन्नचित रह के, स्वस्थ रह के, सुरक्षित रह के सदा साहित्य की सेवा में लीन रहें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और स्नेह, नमस्कार। आदरणीय प्रणव भारती जी को हमने भी सुना, देखा भी, उन्हें बोलते हुए देखा, और मशहूर कथाकार, उपन्यासकार और साहित्यकार प्रणव भारती जी, जिनको ये सौभाग्य है मिला है कि वो लगातार प्रबोध कुमार गोविल जी के साहित्यिक संपर्क में हमेशा रही हैं, और साथ ही साथ वो खुद भी बहुत कुछ इस क्षेत्र में करती रही हैं। जैसे कि आजकल वो उपन्यास में अपने एक व्यस्त हैं और 3 उपन्यास उनके एक साथ चल रहे हैं, और मुझे बहुत उत्सुकता है कि मैं उनकी कोई रचना जल्द से जल्द पढ़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रणव भारती जी आपका। प्रबोध जी, हम एक बार आपके लेखन के बारे में, उस लेखन के बारे में जान चुके हैं जो कि किताबों की शक्ल में पहुँचा, जो कि छपा हुआ, आपका लेखन दिखा भी, पर्दे पर दिखा, फिल्मों में भी आपका कुछ दखल रहा है, उसके उस यात्रा के बारे में। इस सवाल का भी मैं जवाब देता हूं आपके कि फिल्मों से मैं कैसे जुड़ गया। यद्यपि बहुत सारे हमारे ऐसे साहित्यकार हैं और जो जो इस ओर झुके, मुझे भी जैसा मैंने शुरू में बताया कि मुंबई में जाने का मौका मिला और मैं लगभग 12 वर्ष मुंबई में रहा। इस दौरान मैं कुछ, सबसे पहले तो मैं फिल्मी पत्रिकाओं में भी लिखने लगा, मेरे कुछ व्यंग और कुछ लेख और कुछ अन्य रचनाएं फिल्म फेयर और माधुरी वगैरह में भी छपी। उन्हीं दिनों संयोग ही कहेंगे कि माधुरी ने एक स्तंभ शुरू किया कि आपकी कहानियां फिल्मकारों तक कैसे पहुंचे। एक वो हर बार एक चुनिंदा कहानी उसमें छापते थे और फिल्मकारों के लिए आह्वान करते थे कि इन कहानियों को वो फिल्मों के लिए ले सकते हैं। और देखिए, जो जब ये स्तंभ शुरू हुआ तो पहले ही अंक में डॉक्टर अचला नागर की एक कहानी तलाक 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 उसमें छपी, जिस पर हम सब ने देखा कि निकाह फिल्म बनी, तो उससे वो श्रृंखला बहुत लोकप्रिय हो गई और एक अच्छी फिल्म हमें देखने को मिली। तीसरे अंक में एक अंक और निकला और उसके बाद तीसरे अंक में मेरी भी एक कहानी
उसमें छप गई। तो वो कहानी छपने के बाद मुझे 3-4 लोगों से संपर्क आया, अच्छे निर्माताओं से, निर्देशकों से, और उनमें राजेंद्र कुमार जी, जिनका मैं वैसे भी बहुत प्रशंसक था, उनकी फिल्में देखा करता था, राजेंद्र कुमार जो फिल्म एक्टर थे, अभिनेता, वो अपने पुत्र के लिए लव स्टोरी फिल्म बनाने के बाद निर्माता बन गए थे और वो उसी के लिए एक और फिल्म बनाने के लिए कोई कहानी उन दिनों चुन रहे थे। संयोग से उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके घर गया, बांद्रा में उनका ऑफिस था, हमारी लंबी मुलाकात हुई और बाद में तो कई बार हुई। तो जो मेरी कहानी छपी थी वो तो राजेंद्र कुमार जी ने नहीं वो की थी, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन के साथ और मेरी कुछ एक दो अन्य कहानियों का भी अंश उसमें मिलाकर, जैसे पटकथा और कथानकों में यही अंतर होता है, जैसे दाग फिल्म के संग बैली चांदनी भी जुड़ी हुई थी, तो इस तरह से तो मेरी दो कहानियों को मिलाकर एक पटकथा लिखी जाने लगी। और मैं उनके यहाँ भी जाता रहा और उनके लिए निस्बत नाम की फिल्म लिखने लगा। और उसी समय ये संयोग हुआ कि स्टार एंड स्टाइल में साधना जी का एक इंटरव्यू छपा, जिसमें साधना जी से ये सवाल किया गया था, किसी पत्रकार ने कहा कि आपके साथ की जो दूसरी अभिनेत्रियाँ थीं, शर्मिला टैगोर हैं या वहीदा रहमान हैं या नंदा हैं, नूतन हैं, ये सब दोबारा आ गई हैं, तो आप तो अपने दौर में सबसे आगे रही थी, तो क्या आप वापसी के लिए नहीं सोचती? तो साधना जी ने भी ये कहा था कि अगर मुझे मेरे लायक कोई रोल ऐसा मिले विशेष रूप से लिखा हुआ तो मैं सोच सकती हूँ। तो बस मेरे दिमाग में यही बात आई कि राजेंद्र कुमार जी की जोड़ी साधना जी के साथ अच्छी रही थी। साधना जी के पति से आर के नैयर साहब से भी मैं मिल चुका था, उनके दफ्तर में एक दो बार हुआया था। तो मैंने इसी में निस्बत फिल्म में राजेंद्र कुमार, साधना, कुमार गौरव और माधुरी दीक्षित, इन चारों को ध्यान में रखकर एक कथानक लिख दिया और उस पर काम चल रहा था, पटकथा लिखी जा रही थी। लेकिन इसको भी देखिए, संयोग ही कहेंगे कि राजेंद्र कुमार जी की तबीयत बिगड़ी, काफ़ी वो अनुपस्थित रहे दृश्य से, विदेश में भी इलाज के लिए गए, और यही हाल आर के नैयर साहब का भी हुआ, उन्हें अस्थमा के अटैक हुए और बाद में वो भी नहीं रहे और राजेंद्र कुमार जी भी नहीं रहे, और संयोग से मेरा भी मुंबई छूट गया और मैं बैंक की सेवा को छोड़ने के बाद एक विश्वविद्यालय से जुड़ गया राजस्थान में आके, तो वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। लेकिन क्योंकि जो मेरा किया हुआ काम था वो मेरे साथ था, तो उस काम को फिर से उस बीज को मैंने बोकर एक और नया पौधा उगा दिया और साधना जी की जीवनी पर आधारित ज़बान यार मंसूर की मेरी किताब आ गई, इसे भी लोगों ने पसंद किया। और ये संयोग ऐसा रहा कि इसके बाद अब दो किताबें और मेरी इन्हीं फिल्मी हस्तियों से संबंधित जल्दी ही आने की चल रही है। क्या बात है। तो बच्चे बड़े, वो बड़े जो कि एक सामान्य जीवन नहीं जी पाए हैं, एक सामान्य जीवन जीने वाले बड़े, और एक वो बड़े जिन्होंने जीवन की कठिनाइयां, जीवन की चुनौतियां बड़े धूप में, बरसात में, ओले पड़ते हुए इस तरह से झेली हैं, उन बड़ों की बात हो या बच्चों की बात हो या कि फिर उस दुनिया की बात हो जिसे कहा जाता है बड़ी चमक दमक वाली, ग्लैमर वाली दुनिया है, उस तक आपकी कलम पहुंची और न सिर्फ पहुंची बल्कि बड़े सुंदर सुंदर रत्न निकाल के लाए। तो ये बड़ा एक ऐसा चमत्कृत कर देने वाला व्यक्तित्व है आपका, जो लगता है कि किसी को भी देखता है तो जैसे एक कहते हैं कि जहाँ पर कभी ना पहुँचे वहाँ रवि पहुँचे, जहाँ रवि ना पहुँचे वहाँ कभी पहुँचे। तो ये कभी के बारे में हम क्या कहें, हम तो आप यही कहेंगे कि साहित्यकार वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर प्रकाश पहुंचना मुश्किल होता है, जहाँ पर दूसरों की, साधारण लोगों की नजर नहीं जाती। ये बात जब आप अपनी रचना में इस बात पर ध्यान देते हैं कि कुछ खास कथानक बुना जाता है जब, तो पहले उस कथानक को बुनते समय जो पात्रों की बातें होती हैं, कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि पात्र वो गढ़ते हैं और वो गढ़े हुए पात्र अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन कई बार ये भी सुना है कि वो पात्र जो हैं, गढ़े हुए पात्र कई बार बोलने लगते हैं, वाचाल हो जाते हैं और फिर चुप नहीं होते, फिर वो अपनी ही बात कर करवा कर ही मानते हैं, आपका कथानक कैसे मुड़ जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ?
ऐसा मतलब विशेष रूप से बिल्कुल इस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगर आप जैसे पात्रों की बात करें कि कुछ पात्र ऐसे हैं जो अपनी बात कहलवा ही लेते हैं, तो ये अनुभव मुझे अपनी पहली ही किताब देहाश्रम का मनयोगी के समय एक जरूर थोड़ा सा ही हुआ था कि मेरा जो मुख्य पात्र है करण, मैंने एक जगह लिखा भी है उसकी भूमिका में, क्योंकि उसके बाद में 4 संस्करण आ चुके हैं और वो 2 भाषाओं में, तो मैंने एक जगह ये बात लिखी है कि उसने मुझसे ये कहा कि ये कहानी मैंने उसके नाम से अपनी ही कहानी लिख दी है और मैं जो कुछ कहना चाहता था उसके कंधे पर बंदूक रख कर मैंने कह दिया। तो किसी पात्र का ऐसा कहना, ये वही बात है कि लेखक के दिमाग में ऐसा कुछ है जिसे वो नहीं लिख रहा तो भी उससे पात्र लिखवा लिए ले रहा है, इस तरह का अनुभव मुझे उस उपन्यास में हुआ। और इसी तरह अभी भी देखिए, अभी हाल में जो मेरे नए उपन्यास के माध्यम से जो हो रहा है उसमें भी ये बात हुई कि मैं साधना के बाद दीपिका पादुकोण की कहानी पर काम कर रहा था, लेकिन जब दीपिका पादुकोण के बचपन के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे प्रकाश पादुकोण, उनके जो पिता हैं प्रकाश पादुकोण, वो काफ़ी प्रभावित कर रहे थे और धीरे 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 वो कथानक इस तरह बढ़ता गया कि शुरू में तो मुझे लगा कि कहीं ये प्रकाश पादुकोण की जीवनी ही न हो जाए, अब वो उसमें कोशिश यही है कि दोनों की जीवनी एक साथ आ रही है। तो कई बार अगर हमारे पात्र या हमारा कथानक ऐसे चमत्कार रखता है तो वो झलकियाँ हमारे ऊपर फेंकता है, हमारे दिमाग पर वो रिफ्लेक्शंस आते हैं और हम रचना में न चाहते हुए भी उनके विस्तार में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही बात आपने पूछनी चाहिए। जी 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 प्रभु जी, इतना विस्तृत अनुभव है आपका और आपकी एक एक बात ऐसा लगता है कि जैसे उसमें बहुत सारा संचित ज्ञान हम सबको मिलता जाता है। फिर भी जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं या लिखने की लेखन जगत से बहुत प्रभावित हैं, लेखकों से बहुत प्रभावित हैं और कुछ लिखना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उनसे कहने की बात, देखिए एक बार तो अभी ये जिक्र आया था, वो उन्होंने शील कौशिक जी ने कहा था कि मैंने नए लेखकों से क्या कहा है, लेकिन जो एक बार बात कह दी वही बार बार दोहराई जाए ऐसा नहीं है। मैं दूसरी बात भी कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में कि नए लेखकों के सामने सुविधाएं तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा हैं, तकनीकी सुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं, अन्य सुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं, हम जिन तस्वीरों के लिए, जिन चीज़ों को पढ़ने के लिए बहुत वर्षों तक प्रतीक्षा किया करते थे, आज एक मिनट में इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके सामने जीवंत हो जाती है। तो ये लाभ तो नई पीढ़ी को मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे नए लेखकों को मिल रही है, ये भारी जिसको कहते हैं प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा का समय। आज एक घटना घटती है, एक बात होती है तो उसको लेकर कई लोगों की लेखनी एक साथ उठ जाती है, तो वहाँ अपनी जगह बनाना, अपनी छवि बनाना, ये इसकी चुनौतियाँ, इसके सवाल नए लेखकों के सामने बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी छवि को लेकर के उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए और ये समझना चाहिए, अब हम उनसे वो पुरानी बातें नहीं कहेंगे कि धैर्य से, धीरे धीरे, संयम से वो आगे बढ़ें, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि तत्परता से बढ़ें, तेजी से बढ़ें, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की कोशिश करें, यहाँ से भी मिले लेने में गुरेज नहीं करें, और जो भी कुछ लिखते हैं आज इसका एक ये भी लाभ है कि जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हमारे समय में एक आम बच्चा 5-स्टार होटल को अंदर से नहीं देख पाता था, आज वो एक मिनट में एक क्लिक से दुनिया का बड़े से बड़ा होटल अंदर से तस्वीरों में देख सकता है। तो इसलिए इन बातों पर ज़्यादा समय न लगा कर जिन बातों का क्षरण हो रहा है, वैचारिक बातों का, विचारों का, संस्कारों का, उन बातों को अपने कथानकों में, अपनी रचनाओं में फिरो, वो ये इस बात का अनुमान लगाएं नए लेखक के, नए बच्चे की आप हो रहे हैं, उस बातों को सहेज कर उन्हें अपनी रचनाओं में दें, ये मैं उनसे कहना चाहूँ। वाह, एक सवाल और जी। अब पढ़ने की आदत बहुत कम हो चली है और अगर पढ़ना होता भी है तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जो इंटरनेट पर उपलब्ध है वही पढ़ते हैं, वो जो किताबों की खुशबू हाथ में लेकर सूंघने का एक फैशन हुआ करता था, हमारी पीढ़ी तक तो था,
लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त प्राय होता जा रहा है। ऐसे में क्या किस तरह का, जैसे बहुत बहुत स्पर्धा, आपने स्पर्धा की बात की तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि इस स्पर्धा के बीच में कई नई नई तरह के लेखन अपने आप पनप रहे हैं, तो किस तरह का लेखन ऐसा होगा जो सस्टेन करेगा, जो रहेगा, और किस तरह का लिखना चाहिए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं कि किस तरह का लेखन सस्टेन करेगा, रहेगा। तो पहली बात, वही लेखन रहेगा जिसमें मौलिकता का फुट ज्यादा से ज्यादा है। पहले कही हुई बात दोहरा कर, अब आप देखें कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं, पौराणिक, कई लोग तो ये मानते हैं कि सब कुछ लिखा जा चुका है, अब नया लिखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ये दृष्टिकोण तो हमारी नई पीढ़ी बिल्कुल न रखे कि सब कुछ हो चुका है, है ना। ये भी कोशिश न करे कि जो कुछ लिखा गया है उसे नए सिरे से कहना, उस पर कोई और दृष्टि कहना, उसकी जगह उन बातों को जिन पर नहीं कहा गया है। और ये तभी पता चलेगा कि जब अपने पढ़ने की आदत को भी बरकरार रखें, थोड़ा थोड़ा वो पढ़ें। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो आप या तो बहुत अच्छे पाठक हो सकते हैं या बहुत अच्छे लेखक। एक एक खाली कैसेट चाहिए आपको अपनी बात कहने के लिए, अपना राग गाने के लिए खाली कैसेट चाहिए। तो अगर बहुत भरा हुआ कैसेट होगा तो उसमें आपका राग नहीं जा पाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पढ़िए आप। कई आप देखिए कि आज कई संपादक लोग ऐसे हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती कहा करते थे, मैंने उनका एक बार इंटरव्यू लिया मुंबई में, तो उन्होंने मुझे कहा कि संपादन और लेखन एक साथ नहीं हो सकता, हम दिन भर 50 कहानियां पढ़ें और फिर 51वीं कहानी रात को बैठ के लिखें तो मौलिकता का क्या होगा और कैसे हम बचेंगे उन बातों से जो हमने दूसरों की रचनाओं में पढ़ी हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ें, लेकिन शिल्प को समझने के लिए, भाषा के उतार चढ़ाव को समझने के लिए और उन विचारों को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अपने पसंद के रचनाकारों को पढ़ें, जिस क्षेत्र में आप लिखना चाहते हैं वहाँ के कालजयी लोगों को पढ़ें, ये आपको पता चल जाएगा और फिर आप लिखें। तो ये जो नए लोगों से मैं कहूँगा कि इस तरह एक संतुलन बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, आपकी रचना की मौलिकता भी बरकरार रहेगी, उसका स्वाद भी, और वही रचना आगे जाके लंबे समय तक कालजयी भी होगी, ऐसी उम्मीद भी आप रखें, मैं भी रखता हूँ, सब रखते हैं। क्या बात है, ऐसी उम्मीद भरी बातें जो है वो कई बार जो एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है, और उसी समय जब कोई ऐसे आप जैसे वरिष्ठ लोग जब कुछ ऐसी उम्मीद भरी बातें बातों से जोड़ देते हैं अंदर का, कुछ बड़ी खुशी होती है, और ये खुशी मेरे अंदर के बच्चे को जगा रही है। दरअसल हुआ ये कि मुनिया मैरी और गमले मियाँ मैंने जब पढ़ी तो तब से मेरे मन में एक ख्याल ये आ रहा था कि काश काश ये कहानी मैं जोर जोर से पढ़ पाऊँ, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ूँ। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उस कहानी को आप पढ़िए, बच्चे सुने, मैं तो कहता हूँ कि पढ़ा जाना चाहिए। गमले मियाँ एक कोने में चुपचाप बैठे हुए आकाश की ओर देख रहे थे कि सूरज जरा सा और ऊपर आए तो कुछ उजाला हो, दीवार के इस कोने में अंधेरा सा रहता था। तभी उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी, वो तत्काल चौकन्ने हो गए, इधर उधर देखा, दीवार की नाली के पास ही सिसकी की आवाज आ रही थी। उन्हें बड़ी बेचैनी सी हुई, उन्हें लगा कि कौन है जो इस तरह से रो रहा है। गमले मियाँ को अपने बीते हुए दिन याद आने लगे, कभी वो भी इसी तरह रोते हुए इस कोने में लाकर रखे गए। अपने बचपन में तो वे बंगले के मुख्य द्वार पर शान से रहते थे, उन पर सुंदर लाल और सफेद रंग का रोगन होता था, साफ मिट्टी और खाद डाली जाती थी। रोज ही माली अंकल ठंडे पानी की धार छोड़कर उनके तन में ताजगी भर देते थे, और जिस दिन उनमें लगे पौधे पर कोई सुंदर सा फूल खिलता था उस दिन तो गमले मियाँ की शान ही निराली होती थी। बंगले से बाहर निकलते समय सब एक बार तो रुककर उनकी ओर देखते ही थे, चाहे साइकिल पर जाते बच्चे हो या कार से निकलते हुए उनके मम्मी पापा। क्या दिन थे वे, कि एक दिन उनकी मिट्टी में दबे टॉफी के कागज को एक रुपए का सिक्का समझकर चौकीदार के बेटे ने न जाने कैसे कुरेदा कि उसका एक हिस्सा जरा सा टूटकर नीचे ही गिर गया। बस उसी दिन से गमले मियाँ की किस्मत पलटा खा गई। वहां से उठाकर
घर के पिछवाड़े के कोने में पटक दिए गए। अब उनकी हालत ऐसी थी कि न रखने के और न फेंकने के, वहीं पड़े पड़े बुजुर्ग हो गए। ना तो कोई उनकी मिट्टी बदलने आता था पर न पानी देने। पड़े पड़े ही उनमें कुछ खरपतवार उगते रहते थे और उनसे ही घड़ी दो घड़ी बात करके गमले मियां दिन काट रहे थे। अब उनका हाल पूछने केवल नाली के मच्छर ही आते थे और कोई नहीं। सुबह सुबह रोने की आवाज सुनी तो उनका माथा ठनका, इधर उधर देखने लगे। तभी सामने एक छोटी सी प्यारी सी बॉल दिखाई दी, वही ऊ करके रो रही। गमले मियाँ को दया आई, पुचकार कर बोले, अरे रे रे मुनिया क्या हो गया, अच्छे बच्चे रोते नहीं। दीवार को हंसी आ गई, बोली, वाह गमले मियाँ भूल गए, आप ही तो एक दिन रोते हुए यहाँ आए थे। चुप कर, गमले मियाँ ने दीवार को डांट दिया। फिर बॉल से बोले, क्या हुआ बिटिया रोए क्यों। बॉल से सबकी हुई बोली, बच्चे खेल रहे थे, खेल खेल में बल्ले से इतनी जोर की शॉट लगी कि मैं लुढ़कती हुई यहाँ तक आ गई। तो इसमें रोने की क्या बात है, तो खुशी की बात है, जिस बच्चे ने शॉट मारा उसे तो खूब रन मिले होंगे। क्या चोट लगी तुझे। मैं चोट से नहीं डरती, उसमें तो मुझे मजा आता है। फिर तू रोई क्यों। क्योंकि मैं इतनी दूर कोने में आ गई और जो बच्चा मुझे ढूंढने आया उसे मैं दिखी ही नहीं। उसने जाकर सबको कह दिया कि बॉल खो गई। अब उनका खेल तो रुक गया और मुझे यहीं पड़े रहना पड़ेगा। चिंता मत कर बिटिया, बच्चे इतनी जल्दी हार नहीं मानते, वो तुझे ढूंढने जरूर आएंगे और देखना खोज ही लेंगे। पर अगर उन्हें दूसरी बॉल मिल गई तो वो मुझे भूल ही जाएंगे और मैं यहीं पड़ी पड़ी सड़ जाऊंगी। गमले मियाँ का गला भर आया, बोले, ना 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 मुनिया चिंता मत कर, क्या नाम है तेरा। मैरी। अगर वो नहीं आए तो, बॉल ने कहा, तो थोड़ी देर में कोई चिड़िया कबूतर आएगा, मैं उसे कह दूंगा कि तुझे पंजे से नाली में खिसका दे, तू बहकर बाहर जाएगी तो बच्चों की नजर पड़ी जाएगी। बॉल और भी जोर से चिल्लाने लगी, बोली, फिर तो मैं मिट्टी और पानी में गंदी हो जाऊंगी, बच्चे मुझे छुएंगे भी नहीं। गमले मियाँ घबराए, बोले, अच्छा रो मत मुनिया, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ तुझे बघर भेजने की। गमले मियाँ सोचने लगे, आखिर बुजुर्ग थे, कोई ना कोई हल तो निकालते ही। तभी सहसा तेज हवा चली, पेड़ पत्ते इधर उधर हिलने डुलने लगे। और कोई दिन होता तो गमले मियाँ दीवार से परे रहकर अपने को गिरने से बचा जाते, पर आज मुनिया मैरी का ख्याल था, दीवार से ही चटक रहे, ऐसे टूट कर बिखरे कि उनकी मिट्टी भर भरा के फैल गई। आवाज सुनकर उन्हें उठाकर फेंकने माली आया तो उसकी नजर बॉल पर जानी ही थी। हुलसकर उसने बच्चों को पुकारा, आ मिल गई तुम्हारी बॉल। बच्चे दौड़े चले आए पर मैरी ने बच्चे के हाथ से फिर छूटकर जमीन पर एक टप्पा मारा और लुढ़क कर गमले मियाँ की मिट्टी को चूर दिया। अंतिम सांसें गिनते गमले मियाँ बोले, ना ना बिटिया मिट्टी से दूर रह, मैली हो जाएगी। पर मैरी को न मिट्टी की चिंता थी पर न उसकी आंखों से गिरते पानी की, उसे तो जाते हुए गमले मियाँ को सलाम करना था। धन्यवाद इतनी सुंदर कहानी लिखने के लिए। बच्चे के साथ साथ ही बड़ों के मन को भी छू ले, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस बातचीत में हम बहुत कुछ ऐसा जान चुके हैं जो मेरे दिमाग में थे, लेकिन चलते चलते मैं आदरणीय गोविंद जी से ये निवेदन करूंगी कि वो कुछ कहें हम सभी के लिए। जी, वैसे तो मैंने काफ़ी देर कह दिया और काफ़ी सारा कह दिया, पर फिर भी चलते चलते आपका ये जो आग्रह है इसका भी लाभ उठाऊंगा। मैं यही कहूंगा कि बच्चों को
बाल साहित्य की विधा में एक और चीज़ है कि जो प्रेरणास्पद लोग हैं, चाहे वो अच्छे खिलाड़ी हों, चाहे वो अच्छे कलाकार हों, चाहे वो अच्छे शिक्षक हों, उनकी कहानियों से, उनके कथानकों से रूबरू करवाइए बड़ों को भी। वो बड़ों के लिए भी प्रेरणा है, और ख़ास करके जैसा माहौल इन दिनों रहा कोरोना को लेकर के, जो बच्चों के स्कूल छूट गए, मित्र छूट गए, और बड़ों के लिए भी कई लोगों की नौकरियां छूट गई, व्यवसाय छूट गए, इस सारे माहौल को बदलने के लिए यही सकारात्मकता काम आएगी, यही क्रिएटिविटी काम आएगी, ये हम सब के भीतर पीछे चली गई बाती को उकसाएगी और हम सब की लौ बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये उम्मीद है, और इस पर खड़े उतरने का काम आपका है, आप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदों की ये बात ही ऐसे ही प्रखर होकर जलती रहे, और ऐसे ही हम इस प्रकाश से हमेशा लाभान्वित होते रहें। आप स्वस्थ रहें और ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं हम पढ़ते रहें। थोड़ी स्वार्थी हूँ इसलिए ये ज़रूर कहूँगी कि हम पढ़ते रहें। इसी कामना के साथ अब आपसे विदा ले रहे हैं, आप सभी से विदा ले रहे हैं, हमारे उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। आदरणीय प्रणव भारती जी, शराफत अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शील कौशिक जी, बहुत धन्यवाद। सुशीला विक्टर जी, मुझे जो जो नाम नज़र आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम को यही विराम दिया जाए आदरणीय जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने एक बड़े श्रोता समुदाय से, बड़े पाठक वर्ग से और मित्रों से मुझे जोड़ा है, आपका आभार। तो बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत गदगद होकर मैं आज के साक्षात्कार को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। नमस्कार।